हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में घर के कामों से। ब्रेकफास्ट करके ये चले गए थे ड्यूटी पर और मैंने स्टार्ट कर दिए हैं अपने घर के काम। किचन मैंने क्लीन कर दी थी और अब मैं कपड़े वॉश करने जा रही हूँ। एक दो दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए और कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि कल सारा दिन बारिश वाला मौसम रहा और परसों लाइट नहीं थी, बिजली का कट लगा हुआ था, इस करके कपड़े धोने रह गए थे। तो आज सबसे पहले मैं कपड़ों को वॉश करने में लग गई हूँ। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। आज सुबह ही काफ़ी तेज़ धूप निकल गई थी और कपड़े भी चलो आज जल्दी ही फिर सूख जाएंगे, वरना बारिश वाला मौसम होता है तो फिर कपड़े बाहर सुखा दो तो बाहर ही ध्यान रहता है, बार बार उठाकर अंदर रखने पड़ते हैं। पर अगर तेज़ धूप निकली हो तो फिर कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। और अंदर थोड़े ऐसे और कपड़े पड़े थे, मैं वो भी उठा कर ले आई। पहले मैंने थोड़े ही कपड़े डालकर देखे थे कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, पर अभी मशीन में थोड़ी स्पेस बची थी तो मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़े और कपड़े डाल दूं। तो फिर अब मैंने ये वाले कपड़े भी थोड़े से और डाल दिए हैं और मशीन ऑन कर दी थी, और तो अब कपड़े धुल जाएंगे और साथ साथ मेरा दूसरा काम भी होता रहेगा। और अब मैं जा रही थी नीचे कपड़े देखने की कोई और कपड़ा तो नहीं है धोने वाला। जाते जाते मैं रीलिंग भी साफ़ करती जा रही हूँ। रीलिंग पर मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है डस्टिंग के लिए, जब हम नीचे जाएं तो साथ में रीलिंग भी साफ़ हो जाती है। एक काम के साथ साथ आपका दूसरा काम भी हो जाता है। अगर हम सोचे कि इसे हम बाद में करेंगे तो फिर ये रह ही जाती है, इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके साथ अगर कोई दूसरा काम भी हो सकता है तो उसे भी साथ ही फिनिश कर लें। और अब यहाँ मैं पाइप से जो सीढ़ियाँ थी उस पर भी काफ़ी मिट्टी हो गई थी बारिश करके, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो रही हूँ साथ साथ मैं सीढ़ियाँ भी साफ़ ही कर लेती हूँ। तो अब यहाँ मैं पाइप के साथ सीढ़ियों पर पानी गिर रही हूँ और फिर इसे झाड़ू और वाइपर से अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ साथ काम भी हो रहा है। मशीन से कपड़े धोने का यही फ़ायदा तो है कि आपके एक साथ दो काम हो जाते हैं, एक टाइम में आप दो काम फिनिश कर सकते हैं। और यहाँ पर सीढ़ियाँ झाड़ू से धोकर मैंने वाइपर लगा दिया है, झाड़ू से सारी मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाती है और वाइपर से सीढ़ियाँ एकदम सूखी हो जाती हैं और फिर सीढ़ियों पर स्लिप होने का डर नहीं रहता। और गीली सीढ़ियों पर आपको बड़ी ध्यान से पैर रखना पड़ता है, ध्यान से चलना पड़ता है कि कहीं पैर स्लिप ना हो जाए। और मुझे बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, कभी ऊपर वाले रूम में कुछ काम होता है और कभी नीचे किचन में और या फिर रूम्स में, तो मुझे बार बार ऊपर नीचे काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस करके मैं सीढ़ियों को हमेशा ज़्यादातर सूखा ही रखती हूँ ताकि फिर पैर स्लिप ना हो। और यहाँ अब मैं ऊपर का सारा काम फिनिश करके कपड़े धोकर ऊपर धूप में सुखा के नीचे किचन में आ गई थी। और आज मैं लंच में बना रही हूँ चने उड़द की दाल। तो और ये हम कल ग्रॉसरी करके आए थे, काफ़ी सामान लेकर आए थे जो अभी तक मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। तो जो उड़द वाली दाल थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जो ग्रॉसरी करी थी कल उसमें से मैंने कहा चलो सोचा कि उसमें से ही निकाल लेती हूँ। तो अब मैं बाहर काफ़ी ग्रॉसरी पड़ गया है, तो पहले मैं एक लिफाफा ले आई जिसमें चने और जिसमें उड़द की दाल थी। तो पहले मैंने इसमें से सामान निकाला और सामान तो मैं बाद में ऑर्गेनाइज़ करके अच्छी तरीके से लगाऊंगी, पहले मैं दाल रख देती हूँ। तो पहले मैंने उड़द की दाल को निकाला और दाल धोकर और मैंने कुकर में डाल के रख दी है। दूसरी साइड मैंने चावल रख दिए हैं पकने के लिए, तो दाल चावल हो रहे हैं। जब तक दाल चावल बन रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि चलो किचन को ही थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर दूँ जितनी होती है उतनी। तो यहाँ पर देसी घी निकाला था, तो ये घी मैं डब्बे में डालकर रख रही हूँ।
और यहाँ अब मैं नीचे वाली सेल्फ संभाल रही थी, ये भी काफ़ी मैसी हो रखी थी। तो अब इसका सारा सामान निकाल के इसको क्लीन करके यहाँ पर फिर सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। और तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ इसे और प्लीज़ आप कमेंट भी ज़रूर करिए और लाइक एंड शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।